क्या बात है। ओ शिट, भाई लाइट वाइट सब आ गई हाथ में। तो ये देखो ऐसा कुछ लाइव लाइफ है अपना, वहाँ पे जा रही है स्ट्रीट ट्रिपल, यहाँ पे 1000 कावासाकी 1000, बाकी सब गाड़ी तो आपने देख ही ली रहेगी। और ये हमारे समर्थ भाई की ड्यूक अभी मॉडिफाई हुई है रिसेंट में नार्डो ग्रे में, तो ये भी देख लो। ये देखो आपको थोड़ा रुक के दिखाते हैं, देखो क्या बात है। सैटरडे नाइट और आज हमारा सारा ग्रुप इकट्ठा हुआ है साथ में, क्या बात है। अलग लेवल का एक राउंड देखने मिल रहा है आज अपने को, और आज अपने ग्रुप की सारी बाइक्स आई है। स्पेशली आज हम लोग निकले ही इसीलिए क्योंकि बहुत अच्छी डेकोरेशन देखने मिलने वाली है। ये सब डेकोरेशन तो मैंने आपको पहले भी दिखाई है, पर मेन डेकोरेशन जो हमारे बैंड्रा में होती है वो नहीं दिखाई है। तो आज 25 दिसंबर है, क्रिसमस का दिन है, तो आज आपको सब कुछ देखने मिल ही जाएगा। क्या बात है, मजा आ गया। और लाइटिंग तो क्या ही खूबसूरत की है। जो मेन डेकोरेशन है ना वहाँ पे हम लोग फोटोज और रील्स भी निकालेंगे बहुत सारी, तो जिन्होंने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया रहेगा जरूर से फॉलो कर लेना, क्योंकि जितने भी रील्स और इंस्टाग्राम पे जो मैं फोटो निकालूंगा और जो रील्स के लिए वीडियो निकालूंगा वो सब तो आपको मेरे इंस्टाग्राम पे ही देखने मिलेगा, तो जरूर से वहाँ पे फॉलो कर लेना। अरे कौन है वो कॉन्टिनेंटल जीटी वाला, वो भी हमारा ही ग्रुप का है, पर क्या ही बाइक डाल रहा है भाई। क्या बात है भाई, प्लीज भाई तुम डर रहे नहीं हो ना? नहीं तो बस बस हिलना मत वरना दूर हो जाएंगे। कैसा है ना, पिलियन कोई बैठता है जिसके साथ में कभी भगाया नहीं तो उसको पहले ही इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ, भाई डर रहा है तो मैं स्लो ही चलता हूँ और हिलना मत क्योंकि एक मिस्टेक और फिर गेम ओवर। यही लाइटिंग में चलाने इतना मजा आ रहा है, जब हम लोग मेन लाइटिंग पे पहुंचेंगे तब तो नजारे कुछ और ही रहेंगे। तो मेरे को लिटरली एक सेकंड भी कैमरा बंद करने का मन नहीं कर रहा, तो ये काम करते थोड़ा स्लो चलते अपने ग्रुप के साथ चलते, आपको दिखाते आज अपनी आज अपने साथ कौन सी बाइक आई है ताकि आपको भी व्लॉग में मजा आए। ओह शिट, सैटरडे नाइट को क्राउड भी ज्यादा रहता है जिसकी वजह से एक्सीडेंट भी बहुत ज्यादा होती है। ओ भाई बहुत ही गंदा एक्सीडेंट हुआ है लगता है, स्कूटी तो पूरी खत्म हो गई है लगता है। भाई लाइट वाइट सब आ गई हाथ में।
तो ये देखो ऐसा कुछ लाइनअप है अपना, वहाँ पे जा रही है स्ट्रीट टिपल, यहाँ पे 1000 कावासाकी 1000, बाकी सब गाड़ी तो आपने देख ही ले रहेगी। और ये हमारे समर्थ भाई की ड्यू कभी मॉडिफाई हुई है रिसेंट में नार्डो ग्रे में, तो ये भी देख लो, ये देखो। तो कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताना। और अभी आगे आने वाली है जो लाइटिंग, आहा, उसकी तो बात ही अलग रहेगी। ये देखो काफिला, आपको थोड़ा रुक के दिखा दो, देखो क्या बात है। मुंडी तो सबकी पलटनी है भाई, क्या बात है। मिली 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 समर्थ भाई कहाँ है, समर्थ भाई मिली 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 मिली, ओ भाई ये देखो, ओ भाई ये देखो भाई, कहाँ बीच में भटक है, लिटरली बीच में रोड पे डाल रहा है गाड़ी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पुलिस वाले, उसने हेलमेट वेलमेट कुछ पहना नहीं है और घूम रहा है सही, ये तो क्या ही होने। पर हमारे समर्थ भाई ने बहुत ही तगड़ी विली मारी, पूरा डेकोरेट करके रख दिया, लाइटिंग वाइटिंग कर दी है। तो अभी यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं कार्टर्स, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा ही भीड़ रहेगा बाइकर्स का, और आज तो भाई पुलिस वाले भी बहुत ज्यादा घूम रहे, तो थोड़ा अलर्ट होके चलना पड़ेगा, क्योंकि अपनी गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं है इसकी वजह से। तो सीन कुछ ऐसा है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक है और पूरे पट्टे पे ट्रैफिक ही रहेगी, तो 50-50 चल रहा है जाए कि ना जाए, जाए कि ना जाए, क्योंकि अभी तरह देखो इधर तरह का है तो जाना तो बनता है। तो अभी गाइस हमने सोचा जाएंगे, पर थोड़ी गलत तरीके से जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक है, इसलिए थोड़ा अभी रोंगे मार रहे हम लोग, क्योंकि बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा जाम है और ये वाला रोड पूरा खाली है भाई। हम मुंबई कर तो स्पीड ब्रेकर भी रहता है, स्पीड ब्रेकर के कोने से निकलते, तो यहाँ पे इतनी खाली जगह देख के कहाँ से रुक सकते। ओ भाई अभी ये भी भर गया, जाम तो है भाई कुछ भी बोलो, पर क्या करें, जाना है तो जाना है, क्योंकि आज वहाँ पे बहुत ज्यादा ही भीड़ रहेगी, जैसा ट्रैफिक का भीड़ है तो समझ रहे हो ना वहाँ पे क्या भीड़ रहेगी कार्टर्स पे। ओ भाई चंकल वाह, ओ भाई बंदा भाई स्कूटी पे भी मार रहा है मतलब बहुत ही ज्यादा लाइन था अंकल को, बाय 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 चाचा। बहुत ही एक्सट्रीम भीड़ थी यार, क्योंकि माउंट मैरी के लिए सब निकलते रहेंगे, क्रिसमस है तो सीधी बात है माउंट मैरी पे, तो क्रिसमस है तो माउंट मैरी के लिए तो लोग निकलेंगे ही, और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, गाड़ियाँ नहीं मिल रही इतनी ट्रैफिक था। हमारा तो बाइक है इसलिए अच्छा हम लोग साइड साइड में निकल गए, जिसका फोर व्हीलर लेके जो आ रहेगा भाई वो तो पागल हो जाएगा पागल। और भाई कैसा ट्रैफिक था तो चलो भाई फाइनली अपना कार्टर्स भी आ गए, और आज आज यहाँ पे आपको भीड़ दिखाता हूँ कितनी है, भीड़ तो है बाबा यहाँ पे भी भीड़ है। तो भी यहाँ पे कॉफी वॉफी पियेंगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक झेलने के बाद हमारा सर घूम चुका है,
तो कॉफ़ी पियेंगे, थोड़ा चिल मारेंगे, उसके बाद निकलेंगे मरीन्स के लिए यहाँ से। तो कार्टर्स का सीन कुछ ऐसा था कि भाई देखो भीड़ तो नहीं थी, रुकने का मन भी था, पर वहाँ पे पुलिस वाले भाई डंडे मार मार के भगा रहे तो पुलिस वाले वहाँ पे बहुत ज़्यादा थे, बाइक वाइक पार्क नहीं करने दे रहे, भगा रहे। इसके वजह से अभी हम लोग वहाँ से निकल के अभी डायरेक्ट जा रहे हैं मरीन्स के वहाँ पर। तो अभी बाकी के लोग निकल रहे घर के लिए और बाकी हम आधे निकल रहे मरीन के लिए, क्योंकि असली मजा तो भाई मरीन में ही है। तो मैं थ्रॉटल जॉकी और एक आर वन फाइव लगता, खाली हम लोग तीनों ही जा रहे हैं, बाकी सब निकल गए घर के लिए। हाँ, एग्जॉस्ट का अपना एक अलग ही मजा है भाई, मेरे से तो रहा नहीं जा रहा, कब मेरा कब मेरी गाड़ी मॉडिफाई हो भाई, जल्दी से जल्दी मॉडिफाई हो। अपनी गाड़ी का साउंड ऐसे भी बहुत पावर है, पर एग्जॉस्ट लगने के बाद तो भाई अलग ही लेवल के रिएक्शन मिलेंगे। तो आ गया है जी प्यारा वाला हाईवे, यहाँ पे तो भगाना बनता है। बॉम्बे साइड के रोड देखो यार, कितने मस्त है और कितने चौड़े, और हमारे यहाँ के, ओ भाई ये बंदा कर रहा क्या है इसमें, पूरा लटक के आ रहा है भाई और आज तो ठंड बहुत ज्यादा ही हो रही है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है अभी ठंड के एंडिंग में ठंडी पड़ रही है। तो फाइनली मरीन्स पे तो आ गए अभी हम लोग, और ये बार तो मैंने सोचा सुबह तक रुकेंगे, क्योंकि सुबह यहाँ पे डांस वांस भी होता है, मतलब बहुत सी एक्टिविटीज होती है सुबह। तो यहाँ स्टेशन पे थोड़ा नाश्ता वाश्ता करने आए थे हम लोग चर्च के स्टेशन पे, अभी फिर से जा रहे हैं मरीन पे, थोड़ी रील वील की शूट करेंगे और बाकी का माहौल तो सुबह ही मजा आएगा। चलो गाइस रात से हो गई सुबह, अभी हम लोग फिर से जा रहे हैं चाय पीने के लिए, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है, तो थोड़ा चाय वाय पियेंगे और फिर से इधर ही आएंगे। असली मजा तो अभी आएगा ना भाई, सुबह सुबह तो और भी खूबसूरत लगता है भाई अपना मरीन लाइफ। नजर में कैसे जादू कर दिया तेरा बन बैठा मैं। तो चलो गाइस GoPro की भी बैटरी डाउन हो गई है, और इसी नोट के साथ चलो करते हैं वीडियो को एंड। दैट्स इट फॉर द व्लॉग, आज का व्लॉग इतना ही रखते हैं, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो जरूर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, बस मिलते हैं ऐसे ही आने वाले नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन गुड बाय एंड राइड सेफ।